सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि घर में आप लोग ही यंग लोग होते हैं ना, ज्यादा बाहर निकलते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है, थोड़ा कंट्रोल रखना। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने टॉर्क पढ़ लिया था मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। हमने अभी चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा ना सर। ओके, तो आज मैं आपको ब्लैंक शीट पे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोगों ने बोला था। सर जो भी टेस्ट हुआ था, हाँ उसमें डाउट है? यस सर। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में? इंजीनियरिंग। इसमें डाउट है न्यूमेरिकल वाले में? यस सर, मतलब ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा था। अच्छा, एक काम करना, आपने उसमें ग्रुप में डाल देना, या तो टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हमारा। ठीक है सर। छोटी सी मिस्टेक थी उसमें, उसमें क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी के बजाय, या फिर ऑप्शन में सब में 2π से डिवाइड करना चाहिए था। अच्छा ऐसा था? यस सर, वही वाला। ओके यस सर, और सारे सही हैं? और सही थे। ठीक है, आप डाल देना ग्रुप में, मैं चेक कर लूंगा। पेपर ठीक था आपका जेई वालों का? यस सर, अच्छा आया था। अच्छा आया था। ओके, मैंने उसमें एक्चुअली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो ट्राई किए थे आपके, उसमें डाल दूँ चार जो पाँच क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वाले, उसमें अच्छे क्वेश्चन डाले थे मैंने। और बाकी नीट वालों का, नीट वालों का ठीक था पेपर? यस सर। ओके ठीक है, तो आप सर आप स्फीयर की, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी कराओगे? डेरिवेशन मींस वो जो एलिमेंट ब्रेक करके? यस इंटीग्रेशन। नहीं, एलिमेंट ब्रेक करके मैं नहीं कराऊंगा, मैं उसको केवल रिजल्ट पे जा रहा हूँ। एलिमेंट ब्रेक अगर करके करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, मैंने लेकिन आपको फायदा तो कुछ होगा नहीं उससे ज्यादा। उससे पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं सर, बोर्ड से पूछ लेते हैं सर। सर बोर्ड से पूछ लेते हैं ये? नहीं नहीं, ऐसे ये डेरिवेशन नहीं, बोर्ड में नहीं पूछेंगे। ओके, नहीं नहीं पूछते। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन। हाँ नहीं पूछते उसमें होलो स्फीयर और उसका, तो आई थिंक अब तो बोर्ड में शायद वो है भी नहीं, मतलब है ही नहीं है टॉपिक ही मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। चेक करना पड़ेगा सिलेबस क्या है इस बार का, लेकिन मुझे लगता है बीच में हटा दिया था ये चार्ज स्फीयर जो है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बिकॉज ऑफ स्फीयर के कारण, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर या शेल। अच्छा, इसमें कुछ ना कंसेप्ट हैं जो आपको अभी धीरे धीरे पता चलेंगे, जो मैंने भी आपको शायद बताए नहीं होंगे, या अभी गॉस लॉ वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर होंगे, तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट गॉस लॉ से रिलेटेड भी हैं, तो आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे सब लोग। चलिए तो उसमें डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सर आई थिंक सब पहले फ्लक्स नहीं होना चाहिए? फ्लक्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी, फ्लक्स हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। अब फ्लक्स दो क्लास में आया। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कर चुके हैं, फ्लक्स नहीं किया हमने भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया है। ठीक है, तो हाँ कुछ चीजें रिलेटेड हैं यहाँ पे फ्लक्स से भी, लेकिन अभी इसको करते हैं पहले, देखो थोड़ा ट्राई करते हैं क्या होता है, क्योंकि फ्लक्स और जो गॉस लॉ है से वो दोनों तो रिलेटेड हैं। हाँ, तभी गॉस, हाँ बिल्कुल, फ्लक्स तो गॉस लॉ फ्लक्स के बिना हो नहीं सकता। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ उसको दोबारा, फिर एक बार जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। ओके सर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होता है ना, तो स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, यानी हॉलो शेल है। हॉलो शेल को जब आप चार्ज करते हो तो इसका चार्ज सरफेस पे आ जाता है। अब क्यों आता है, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, सरफेस पे मतलब बाहर की साइड आया था, अंटीरियर अनलेस आपका अंदर कोई चार्ज ना हो, अगर अंदर कोई चार्ज होगा इसके तो बात अलग है, अदरवाइज ये सारा सरफेस पे आएगा। तो कुछ कंसेप्ट यहाँ पे जो है पोटेंशियल से रिलेटेड है, और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे गॉस लॉ से रिलेटेड आएंगे अभी, तो उसको दोबारा एक बार हम वहाँ पे दोबारा देखेंगे, अभी केवल ब्रीफ में देख लेते हैं। तो अभी ये मान लेते हैं कि चार्ज हमारा सारा सरफेस पे आ जाएगा, और जब आप किसी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बाहर के पॉइंट में, तो दिस चार्ज कैन बी टेकन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था, तो यहाँ पे हम इसको सेंटर पे मान सकते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, ई पॉइंट मान लो, तो ई पी जो हमारा आएगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम सारे चार्ज को इजिली सेंटर पे मान सकते हैं। अब बात करें अगर ये सरफेस पे हो
पॉइंट पी तो क्या होगा, तो मान लो सरफेस पे एक पॉइंट है जिस मान लो क्यू है, तो क्यू पे भी हम सेम मान सकते हैं, सेंटर पे हम चार्ज मान लेंगे, तो अब के क्यू बाय आर स्क्वायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके सरफेस पे वो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। तीसरी बात होती है कि अंदर अगर आप आए इसके तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे, आप चाहे यहाँ पे लें चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी आप लें, जैसे आपका ग्रेविटेशन फील्ड जीरो था ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। तो ई एट द पॉइंट आर मान लो इसको, या एस मान लो, जो भी मानना चाहते हो, इक्वल टू जीरो। तीसरा केस क्या लिया हमने, पॉइंट हमने इनसाइड द स्फीयर लिया है। और ये पॉइंट ऑन द सरफेस था, और ये जो है पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है। तीन केस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ये और फिर ये होगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन बस ये रह गया यहाँ पे कि ये चार्ज जो है नंबर एक को सरफेस पे क्यों आया है, नंबर दो अगर अंदर चार्ज होगा तो क्या होगा, नंबर तीन चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ है। तो धीरे धीरे हम समझेंगे क्यों हुआ ऐसा। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हॉलो स्फीयर हमने बनाया है इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसा बनाएंगे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, अप टू आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ आपका स्टार्ट होगा आर से और वहाँ पे वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर वैल्यू होगी यहाँ पे एट ई आर इक्वल टू, ये जो पॉइंट है ये आर इक्वल टू आर है, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा जब भरा पाओगे इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ विल बी दिस, ई यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, तो योर ग्राफ हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, देयर इज नो ग्राफ बिफोर दिस, तो कई बार ऐसे डॉट से दिखाई थी, तो हियर वी डोंट हैव एनी ग्राफ। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालना चाहो उसकी, तो उसकी वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर है, जो वैल्यू है आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, तो सेम तीनों चीज़ें सेम आती, तो ये चीज़ वैलिड है अगर ये या तो चार्ज स्फेरिकल शेल हो या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो। तो दोनों केस में सेम ग्राफ बनेंगे, सेम फॉर्मूले बनेंगे, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो देन चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अंदर भी कुछ चार्ज हो सकता है सरफेस के अलावा, तो उस केस में डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे, तो उसमें मूव कर रहा हूँ। ये नोट कर लिए सब लोगों ने? आई एम मूविंग। अब अगर जो है मान लो अंदर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या होगा, और नॉन कंडक्टिंग स्पेशल केस मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। Due to uniformly charged non-conducting sphere. तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फीयर है आपका नॉन कंडक्टिंग, इसमें हर जगह चार्ज है, मतलब अंदर भी चार्ज है, सेंटर पे भी चार्ज है, बाहर भी और सरफेस पे भी, हर जगह चार्ज है इसको, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है आपका, है ना। अब अगर हम इसके कारण फील्ड निकालें तो सरफेस पहले आउटसाइड अगर निकालें और सरफेस पे निकालें तो सेम फार्मूला आएगा। अगर पॉइंट आपका बाहर है, जैसे यहाँ पे था आपका फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सेम आएगा। अगर पॉइंट आउटसाइड है आपका तो ये सेंटर पे आप मान सकते हो पूरा चार्ज,
तो आपका फॉर्मूला जो पी पॉइंट पे आएगा सेम, क्यू इज द टोटल चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट ऑन सरफेस अगर आपने यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ई क्यू जो आएगा वो आपका के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले दोबारा सेम है। अब जब हम अंदर की बात करेंगे, अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ कहीं अगर पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा भी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनसाइड द स्फीयर जीरो होता है, तो जो भी चार्ज इसके बाहर होता है उसके कारण इफेक्ट जीरो होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे ये स्फीयर होता है, ये चार्ज स्फीयर है और एक और चार्ज स्फीयर है और मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे इसके बाहर जो भी शेल होगा उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मान लो यहाँ पे एक और स्फीयर होता अंदर, ऐसा केस होता तो इस पॉइंट पे केवल इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इसके जो भी शेल से अंदर के साइड होगी। तो अब क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है आपके केस में, तो सॉलिड स्फीयर जो है और मान लो पॉइंट आपने यहाँ पे लिया तो आपको सारे चार्ज लेने पड़ेंगे यहाँ तक, यानी जो इतने चार्ज इसके अंदर आएंगे उन सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इन सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू इनसाइड जो भी इनसाइड इसके आएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो भी आर होगा आपका यहाँ पे अपने आर स्मॉल आर मानना पड़ेगा आपको, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, तो ये सेम फॉर्मूला बनेगा लेकिन क्यू जो है इनसाइड आएगा बस केवल। अब क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर निकालेंगे हम, तो क्यू इनसाइड आप प्रोपोर्शन से निकाल सकते हो, ये आपके 4/3 पाई आर क्यूब में कैपिटल क्यू चार्ज है तो 1 में कितना है और 4/3 पाई आर क्यूब में कितना है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब नीचे आ जाएगा, आर क्यूब ऊपर आएगा, 4 पाई वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू इनसाइड आपका जो होगा वो इतना आ जाएगा। इसको यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो एक आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो ऊपर जो है क्यू आर बचेगा, तो के क्यू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर बचेगा। आई होप ये सबको क्लियर है। कैसे निकाल लाते हैं, यूनिटी मेथड से, कि पूरे स्फीयर में 4/3 पाई आर क्यूब के स्फीयर में क्यू चार्ज है, तो ये पूरा स्फीयर अगर मैं लूंगा तो उसमें क्यू चार्ज है, तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब का स्फीयर लूंगा तो क्यू बाय ये आ जाएगा चार्ज, क्यू अपॉन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं इतना स्फीयर लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब का ये वाला स्फीयर लूंगा तो इसमें जो चार्ज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करा है मैंने, क्लियर हुआ, यूनिटी मेथड। सर जो क्यू इनसाइड देंगे वो एक तरह से स्फीयर लेंगे, स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे उसे। हाँ, क्योंकि आप पॉइंट अंदर ले रहे हो ना, तो अंदर में जो भी शेल बनती जाएंगी वो सबका चार्ज, जैसे आपने यहाँ पे स्फीयर माना, इसके कारण यहाँ पे फील्ड आएगा, इसके कारण फील्ड आएगा, इसके कारण फील्ड आएगा, इसके कारण फील्ड आएगा, तो आप पूरा ही इसे एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हो, कि सॉलिड स्फीयर है पूरा चार्ज और उसके आप सरफेस पे फील्ड निकाल लें, आप ये मान सकते हो। ओके सर, ये निकाला गया आपने, क्यों निकाला है? ये मैंने क्यू इनसाइड निकाला है कि क्यू इनसाइड कितना होगा, इनसाइड मतलब जहाँ पे आपने पॉइंट माना है आर, जो आपने आर पे डिस्टेंस पे पॉइंट माना है, इसके अंदर अंदर जो शेल बन रही है इन सब में कितना चार्ज, मैंने स्फीयर जो बनेगा इसमें कितना चार्ज होगा। ठीक है, पूरे स्फीयर में मुझे पता था क्यू चार्ज है और इसका वॉल्यूम मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब है, और इसका वॉल्यूम मुझे पता है 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब है, तो जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा ये वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो आर ये होगा, यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो आर ज़्यादा आएगा तो चार्ज भी ज़्यादा आएगा इनसाइड, तो मैं वो क्यू इनसाइड निकालने की कोशिश कर रहा था कितना होगा, जब मैंने वो निकाला तो मेरा इतना निकला ये। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पुट किया जो फॉर्मूला। क्लियर हो गया, क्लियर है। पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, पिछली वाली स्लाइड पर जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ मान लो एस, सेंटर से आर दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस विल बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय आर स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, आर बाय आर क्यूब है ना,
यहाँ पे ये फॉर्मूला बना था हमारा, ये हमारा आर बाय आर क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अब ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, ये तो कांस्टेंट है, बाकी सब के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर क्यू कांस्टेंट है, आर तो रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, बाहर अंदर प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले कैसे ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा पैराबोला। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा कुछ। तो ये हमारा पॉइंट है आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड दिस इज द आर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई जो है प्रोपोर्शनल टू आर है और इस साइड को ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। और ये जो टॉप पीक है आपकी, ये पीक जो है सरफेस पे आई है और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है। आई होप इतना क्लियर है सबको। यस सर। ओके, तो ये है ग्राफ। अगर मानो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता तो ग्राफ सेम बनता। कई बार किताबों में ऐसा ग्राफ भी बना देते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए कि ऐसे करके और फिर ऐसे बना देते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेगेटिव होगा, तो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड को ग्राफ बना देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ दे दें तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके ऑप्शन में। सेम चीज़ पीछे भी हो सकती थी यहाँ पे भी। एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब तक जो है हमारा, हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यूजुअली केस क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेडियस के साथ वेरी करे, कि आपका डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे चार्ज की डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो, माने कॉन्स्टेंट ना हो। यहाँ पे तो आपकी चार्ज की डेंसिटी कॉन्स्टेंट थी, तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया कि इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है। लेकिन अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट ना हो सेंटर के साथ, सेंटर से दूरी बढ़ते बढ़ते वो चेंज हो रही हो, तो उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है, हमें कुछ सेल माननी पड़ेंगी, उसके कारण फील्ड लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, उसे कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें है कि स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज हूज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी depends only on the r as only on the r as rho equal to rho naught 1 minus r by r। यानि चार्ज डेंसिटी जो rho है वो ऐसे वेरी करती है, केवल r पे डिपेंड करती है, वेयर rho naught इज अ कॉन्स्टेंट। एज्यूमिंग दैट द एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, वो आपको पता ही है ऐसे भी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r इज e एज अ फंक्शन ऑफ r इज, क्या होगा? ऑप्शन ऐसे करके दिए हैं आपको। ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू है,
आया किसी का आंसर? यहाँ पे फोर डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। क्या क्या डिफरेंट आ रहे हैं सर? अंदर की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है सर। जो इसमें डिग्री ऑफ आ रहा है वो डिफरेंट आ रही है, मेरी थ्री आ रही है, यहाँ पे टू दे रखी है। अच्छा ओके, पावर तो चेक करनी पड़ेगी आपको, बाकी कोई कांस्टेंट में अगर गलती है तो वो अलग चीज़ है, कांस्टेंट में हो सकता है यहाँ पे गलती हुई, लेकिन बाकी तो ठीक होगा पावर पर। बैलेंस भी तो करेक्ट है दिया हुआ। हम रो को मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3 पावर क्यूब से करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर से। शेल लेनी पड़ेगी ना आपको, आर डिस्टेंस पे एक शेल लेना पड़ेगा और उस शेल को उसका थिकनेस कुछ मानना पड़ेगा आपको। मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको, होने वाला है सर। आ गया वो सर, कैपिटल आर ले लेता हूँ दोबारा का पॉइंट में। यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे आपको एक शेल माननी पड़ेगी, ये ठीक है। आप इसमें क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फंक्शन ऑफ आर माना है। आप मान लो कि R पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालना है तो एक शेल के कारण पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस शेल को हम मानते हैं सेंटर से, ये इसकी रेडियस x है और इसकी थिकनेस जो है वो dx है, थिकनेस जो है dx है। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ यहाँ पे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट टी पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका क्यू चार्ज होगा मान लो ई पी इक्वल टू के डी क्यू बाय क्या आएगा बताओ, आर स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, कुछ और आएगा। हमें पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए ना आर डिस्टेंस पे, केवल इस शेल के कारण, ये जो शेल है इस शेल पे जो भी चार्ज है उसको डी क्यू मान लिया मैंने, इसके कारण यहाँ पे फील्ड अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, यही आएगा या कुछ और आएगा? Yes. लोगों समझ में आ रहा है? R स्क्वायर कैसे हो गया? फॉर्मूला है ना KQ by R स्क्वायर, तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर उधर तो आपने x माना हुआ है ना? देखो यहाँ पे, हाँ x माना है, अगर मैं पॉइंट बाहर लूंगा यहाँ पे तो बाहर तो मैं R स्क्वायर ही लूंगा ना डिस्टेंस, मैं ये थोड़ी लूंगा जो उसकी रेडियस है। रेडियस नहीं लेते ना हम लोग, R लेते हैं। तो ये पॉइंट बाहर है ना इसके, और ये जो पॉइंट P है ये सेल से बाहर है जो हमने शेल मानी है, उसका डिस्टेंस लेंगे ना टोटल, यानी R लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, यस ए इज करेक्ट। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर, करेक्ट। अब DQ कितना होगा जो चार्ज शेल पे होगा, कितना होगा, कैसे निकालोगे सर? रो इनटू 4 पाई x स्क्वायर डॉट dx, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर तो सरफेस एरिया होता है, इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, थिकनेस इसकी डी एक्स है, तो ये इस पर चार्ज होगा। ये बात समझ में आई सबको? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया है, यस सर, क्लियर है सबको? बाकी लोगों के लिए फिर बाद में बताऊंगा। देखो सर तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से चार्ज कैसे आ गया? क्योंकि ये डेंसिटी क्या है, ये डेंसिटी जो है चार्ज की डेंसिटी है ना, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो है, ये किस चीज की डेंसिटी है, ये इसकी तो डेंसिटी है। यस सर, ठीक है ना, तो हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लिया उससे, तो ये आ गया हमारा। अब डेंसिटी कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेरे को कहाँ की डेंसिटी चाहिए, यहाँ की जहाँ पे ये सेल बनी हुई है, ये सेल सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, तो डेंसिटी कितनी लिखूंगा यहाँ पे, रो नॉट वन माइनस
x बाय आर ये लिखूंगा क्योंकि r डिस्टेंस पे है ये फॉर्मूला, तो मेरी x डिस्टेंस पे ये डेंसिटी होगी। ठीक है जी? यस सर। ओके, अब ये मेरा dq आ गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूँ। इस शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, k dq by x r स्क्वायर करके निकाल सकता हूँ। और उसके बाद फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मुझे जो x की वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 to r, यस, क्योंकि हमें r तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बाहर वाले के कारण तो कोई फील्ड आएगा नहीं, अंदर वाले कारण फील्ड आएगा बस, तो वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से मिल जाएगा। हाँ, गॉस लॉ से कर सकते हो, आपको पहले उसके लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और तब बस dq को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। e into 4 pi r square हम इसे लगा देंगे। आप नेट चार्ज एंड को निकालना चाह रहे हो सर? सरफेस इंटीग्रल वाले से, सरफेस इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds से। हां, इक्वल टू क्या? q in मतलब इनसाइड गॉसियन सरफेस ले लेंगे एट अ डिस्टेंस r, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं तो क्लोज है, तो dq क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा रो dv, और रो dv हो जाएगा रो की वैल्यू डाल देंगे, और dv हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। अब dq को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर r तक, तो इनसाइड में उस स्पेस में कितना चार्ज है वो आ गया, और एप्सिलॉन नॉट नीचे था, और 4 पाई से 4 पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर को नीचे भेज देंगे तो इससे भी आ रहा है सर। हाँ, उससे आ जाएगा, लेकिन इक्वली टाइम लगेगा, शॉर्ट नहीं होगा वो, क्योंकि आपको उसमें भी इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना, क्यू निकालने के लिए क्यू इनसाइड, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो लगभग आपका टाइम बराबर लगेगा दोनों में। कुछ और सोच सकते हैं इसमें? हमें चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस आर, और आपको दी हुई है डेंसिटी। दूसरा तो ये हो सकता है क्यू एन क्लोज निकाल लो केवल, और के क्यू बाय आर गॉस लॉ यूज नहीं होगा इसमें? गॉस लॉ भी कर सकते हो, लेकिन सर कर सकते हैं, बराबर टाइम लगेगा उसमें भी, तो कोई मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला आपको गॉस लॉ से। दूसरा भी कर सकते हो, इजी तो पड़ेगा? नहीं, इजी भी नहीं पड़ेगा, मैंने बराबर ही पड़ेगा आपको, या फिर सर गॉस लॉ का आधा कर सकते हैं, जैसे कि q इनक्लोज तो हम गॉस लॉ के लिए निकाल ही रहे हैं और उसके लिए भी निकाल ही रहे हैं, तो जैसे कि जो सॉलिड स्फीयर होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर से एट अ डिस्टेंस r, मैंने दोबारा एक गॉसियन सरफेस दी है, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये एट अ सरफेस r पे मैंने एक स्फीयर लिया, ये तो मैं सॉलिड स्फीयर मान रहा हूँ, और जो स्मॉल r से लेकर जितना रेडियस बच गया कैपिटल r माइनस स्मॉल r, वहां तक मैं क्या ले रहा हूँ, इनफाइनाइट हॉलो शेल्स ले रहा हूँ, तो इनफाइनाइट हॉलो सेल्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जो ये सॉलिड से मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितने की जो r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस आई, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो हमको पता ही है k q by r square, तो उसके उस हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो बाहर के जो शेल्स आएंगे उसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। बिल्कुल, तो सीधा उसमें बस हमको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, बस प्लस q इनक्लोज निकालना पड़ेगा। हां, वही करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से भी निकाल सकते हो, q इनक्लोज अगर निकालो तो k q by r square लगा सकते हो डायरेक्ट। यस सर। तो q, यस सर, आप हाँ, तो बस आपको ये फिर इंटीग्रेट करके q टोटल निकाल लो आप यहाँ से, तब भी आपका आंसर आ सकता है, कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। जो इनसाइड वाला पॉइंट होता है सॉलिड स्फीयर में, उसके डेरिवेशन में भी ऐसे करते हैं। और वैसे भी देखो, आपने जो इंटीग्रेशन भी किया है ये, तो इसमें भी k और r square तो आपका भारी आ जाने वाला है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली dq का ही हो रहा है यहाँ पे भी। यस सर, है ना, तो बात लगभग वही कर रहे हैं हम लोग, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आया किसी का अभी तक? ओके, और लोगों का? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, उसको इंटीग्रेट करना था हमें, डी ई हमारा जो था उसको इंटीग्रेट कर रहे थे हम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितनी आती है, रो नॉट वन माइनस एक्स बाय आर
फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली, के आ गया, डी क्यू आ गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फोर पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के रो नॉट आर स्क्वायर फोर पाई, बाहर कर लो, फोर पाई भी चला गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स बाय आर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय आर बचा अंदर डी एक्स। मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन मेरा जीरो से आर, तो ये हो गया फोर पाई इंटू के, के हो गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर आर, लिमिट आपकी जीरो से स्मॉल आर, इसको पुट कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, तो बाहर तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया और ये एप्सिलॉन आ गया जो भी है, और अंदर जो है सर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ये कैसा आया, यहाँ से, यहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। यस ओके, अब कितने लोगों का आंसर आ गया, फ्री आपका एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी आपने, ए की वैल्यू, हां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट की ना यहां पे, ये कटाई लो, आर स्क्वायर का अंदर ले जा रहा हूं, अंदर ले जाऊंगा तो आर क्यूब बाय थ्री आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर फोर हो जाएगा डिवाइड बाय फोर आर स्क्वायर कैपिटल आर, ऐसा कुछ हो जाएगा, देख लो क्या आंसर बनेगा इससे। Done? डायमेंशनली सही आंसर ही है, डायमेंशनली अगर आप चेक करते तो आंसर सही आ रहा है, मैंने ऑप्शन सही दिए हैं, रो नोट आपका क्यू बाय आर स्क्वायर होगा डायमेंशन में, है ना, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, मैंने अगर हम के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पर सोचेंगे तो ये अपॉन आर स्क्वायर होगा और ये आर है ऊपर, तो यह सोच सकते हैं कि डायमेंशन भी सही है या नहीं है, आर क्यूब होगा, सॉरी क्यू बाय आर क्यूब होगा ना वॉल्यूम, तो डायमेंशन सोच सकते हैं कि सही है या नहीं है। आंसर मैच नहीं कर रहा, क्यों, आर क्यूब आ गया, ये आर क्यूब डिवाइड बाय थ्री आर स्क्वायर करोगे तो आर बाय थ्री हो जाएगा ये, ठीक है, ये सही है, रो बाय एप्सिलॉन तो हमारा आ ही गया, और अगर आप ये डिवाइड कर सर, आंसर आ गया यहाँ पे, वो तो सामने ही कटता हुआ दिख रहा है सर, आर स्क्वायर से आर क्यूब और आर स्क्वायर से आर फोर, बिल्कुल आर स्क्वायर यहाँ बचेगा, आर यहाँ बचेगा, यस सर वो प्लस आ गया था बीच में, नहीं 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 माइनस तो आएगा, माइनस है ना, ओके चलो तो आगे चलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आते हैं, जेई वगैरह में भी आते हैं, नीट में भी आ सकते हैं, जहाँ पे कि हमारी डेंसिटी जो है वेरी कर रही हो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से रेडियली आपकी डेंसिटी चेंज हो रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, या फिर गॉस लॉ आप लगाओगे तो कैसे लगेगा, या कुछ और, तो डिफरेंट चीजें सर, ये नीट में इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, कुछ हद तक तो पूछ ही सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूछेंगे ही नहीं सर, कम आते होंगे ना, हाँ कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, मतलब इजी वाले इंटीग्रेशन आते हैं आपके, टफ वाले नहीं आते हैं, इंजीनियरिंग वालों को थोड़ा टफ आ जाते हैं,
जहां उन्हें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ जाती है. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सर उनके हिसाब से तो हमारे पास मैथ्स नहीं है ना, तो वो कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लो केवल एटलीस्ट. सर है ना ये है क्योंकि ऐसे तो केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री आएगी आपकी, इंजीनियरिंग वालों को तो बायोलॉजी नहीं है लेकिन इनको पढ़नी तो पड़ेगी. सर बायोलॉजी और मैथ्स का कहाँ कंपैरिजन है? अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक और पैरामीटर है जो हमने डिफाइन किया है फॉर द चार्जेस. तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमें जरूरत ये पड़ी कि मान लो ये एक प्लस चार्ज है और मुझे कहीं से कोई चार्ज लेके आना पड़ रहा है दूसरा चार्ज. मुझे यहाँ तक लाने में जब मैं लाऊंगा तो रिपल करेगा चार्जेस को दूसरे चार्ज को, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इधर को लाने में. अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना वर्कडन करना पड़ेगा, यहाँ तक आपसे पूछो कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स निकाल लो क्यू इंटू ई से और वर्कडन निकाल लो एफ इंटू एस से, उसे इंटीग्रेट वगैरह करके निकाल लो कितना वर्कडन करना पड़ेगा. लेकिन वो इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज जब मूव करेगा तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है यहाँ पे एक, तो दूसरा हो सकता है कि डायरेक्शन भी वेरी कर जाए क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो ऐसे है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे निकलेगा बाहर और आप मान लो ऐसे लेके आ रहे हो टेढ़ा मेढ़ा, तो आपको इंटीग्रेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा आपका करना. तो हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हम हर पॉइंट का तक पोटेंशियल कितना होगा ये निकाल लेते हैं. पोटेंशियल मतलब कि अगर मैं एक चार्ज को लेके आऊँ, यूनिट चार्ज को, मैंने जो वन कूलम का चार्ज है इसको लेके आऊँ, तो मुझे कितना वर्कडन करना पड़ेगा यहाँ तक लाने में, तो मैं निकाल लेता हूँ. तो अगर मान लो मैं वन कूलम नहीं लेके आ रहा, दस कूलम लेके आ रहा हूँ, तो मैं वर्कडन को दस गुना कर दूंगा. जो भी मेरा पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्कडन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. जो भी वर्कडन करना पड़ेगा वो निकाल लेता हूँ, ठीक है. तो मेरा यहाँ का वर्कडन आ जाएगा, ऐसे मैं यहाँ का निकाल लूंगा यहाँ का, तो मैं कहीं का भी वर्कडन ईजिली फिर कैलकुलेट कर सकता हूँ मुझे कितना वर्कडन करना पड़ेगा. तो अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूँ हर पॉइंट का, फॉर्मूला निकाल लूँ पोटेंशियल का, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट द वर्कडन. और आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है. कंजर्वेटिव मतलब वर्कडन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल है. तो मैं इसको चाहे ऐसे लेके आऊँ, चाहे ऐसे लेके आऊँ, चाहे कैसे भी लेके आऊँ, वर्कडन सेम आने वाला है. दूसरी बात, ये पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर दिया आपने वर्कडन? अभी करेंगे. तो पोटेंशियल वो क्वांटिटी है कि जो हम इस पॉइंट का वर्कडन जब निकालेंगे ना, जैसे मैं ग्रेविटेशन में जाना आप लोगों को निकालते थे इन्फिनिटी से लेके आते हैं, तो उस जगह का इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा? यस सर. है तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि जब इन्फिनिटी से हम लिखेंगे तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं. तो उसको निकालेंगे भी फॉर्मूला, फॉर्मूला निकालेंगे पोटेंशियल का. मैं ये कह रहा हूँ कि ये पोटेंशियल अगर हमने निकाल लिया तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो. कि मान लो मेरे को 10 कूलम का चार्ज लेके आना, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं निकाल सकता हूँ माइनस 10 कूलम का लेके आना है, माइनस 100 का लेके आना है, प्लस 100 का लेके आना है, मैं वो सब निकाल सकता हूँ, ठीक है. उसके अलावा मान लो मुझे चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, इसका वर्कडन चाहिए मुझे, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे मान लो यहाँ से यहाँ लेके आना है. अब मुझे पता है जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ लेके आऊँगा तो मुझे पता है वर्कडन मान लो डब्ल्यू वन हुआ, और इन्फिनिटी से यहाँ लाने में वर्कडन डब्ल्यू टू हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो वी वन है, यहाँ का पोटेंशियल वी टू आ गया. तो यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा, ये लिख सकता हूँ मैं? यस सर. ये लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है. कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब कि आपने जो यहाँ से यहाँ आया जो वर्क किया आपने, प्लस यहाँ से यहाँ का जो वर्क किया, उन दोनों का सम ये आना चाहिए W2. तो यहाँ से यहाँ तक आपने W1 वर्क किया, यहाँ से आने माना आपने W डेल्टा W वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, तो उस इक्वल टू होना चाहिए डायरेक्ट. आप यहाँ से यहाँ आते इन्फिनिटी से आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आते टू पॉइंट पे, तो W2 के बराबर होना चाहिए. तो इसका मतलब डेल्टा W हमारा W2 माइनस W1 होगा. तो यानी मैं यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल पता है हर पॉइंट का, तो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मूव करने का वर्कडन भी निकाल सकता हूँ. तो मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करने का वर्कडन निकाल सकता हूँ, और मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का भी वर्कडन निकाल सकता हूँ. अगर मैं पोटेंशियल मुझे पता हो तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर ये W1 plus delta W equals to W2 कैसे कर दिया? क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, आप यहाँ से यहाँ आए तो वर्कडन W1 किया,
यहाँ से यहाँ गए तो डेल्टा डब्ल्यू किया, तो वो इक्वल टू होना चाहिए यहाँ से यहाँ के वर्क के कंजर्वेटिव फील्ड से, क्योंकि आप वर्डन चाहे इस पाथ से आओ और चाहे इस पाथ से आओ वर्डन सेम आना चाहिए, तो मीन्स ये दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है? कंजर्वेटिव फील्ड है ना ये, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होता है। मतलब हम अगर W2 से पहले जा रहे होते मतलब W2 plus delta W equals to W1 क्यों नहीं हो रहा? अगर हम क्या कर रहे होते हैं? सर W2 plus delta W equals to W1 ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम ऐसे नहीं जा रहे ना पाथ, अगर हम या तो ऐसे ट्रैवल कर रहे होते ना यहाँ से यहाँ करके फिर यहाँ से यहाँ जा रहे होते तब W1 आता, W2 plus W, हम तो उल्टा है ना यहाँ पे, यहाँ पे हम उल्टा चले ना। यस सर ओके। तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें यानी तो काफ़ी काम की चीज़ है ये, हमारे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं किसी पॉइंट पे, अगर हम पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, ठीक है? तो पोटेंशियल हमारा जो होता है, अगर हम डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन to bring unit positive charge slowly from infinite या infinity से distance to a point in the electric field is called electric potential. इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव माना है तो ध्यान रखना हमें, दूसरा हम स्लोली लेके आ रहे हैं, अगर स्लोली लेके नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, वर्क डन फिर आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी वर्क कर सकते हो। मान लो मैं एक्सेलेरेट करूँ उसे, तो एक्सेलेरेट करूँगा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी आ जाएगी तो इक्वल टू वर्क डन, फिर वो एक्स्ट्रा आ जाएगा वर्क डन। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी ना आए इस पे, स्लोली आए बिल्कुल, जो भी वर्क डन हो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए वर्क हो बस, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी देने के लिए कोई वर्क ना करें हम। तो हम केवल यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम इसको एनर्जी नहीं देना चाह रहे काइनेटिक एनर्जी। तो आप देना चाहोगे तो फिर तो आप इसको बहुत स्पीड से लेके आओगे, आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, है ना? जैसे मान लो किसी चीज़ को उठा रहे हो जमीन से, आपने स्लोली उठाया तो आपको वर्क डन एम जी एस करना पड़ेगा, लेकिन मान लो मैंने बहुत फास्ट उठाया उसको स्पीड भी दे दी साथ में, तो मुझे वर्क डन जो है एम जी एस प्लस हाफ एम जी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है तो मैं उसे स्लोली उठाऊंगा ताकि मेरा एम जी एस वर्क डन आए। ऐसे ही यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है तो मैं स्लोली लेके आऊँगा जीरो स्पीड से, ताकि मेरा वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ही आए। आई होप ये बात क्लियर है सबको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जीरो। सर ये पॉजिटिव चार्ज को लेगा, ये बस कन्वेंशन है कि मैंने पॉजिटिव ले लिया, अगर नेगेटिव लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आपके आंसर नेगेटिव उल्टे आ जाएंगे बस, जहाँ प्लस आएगा वो माइनस आएगा, आ जाता और जहाँ माइनस होता प्लस आ जाता, बस ये फर्क पड़ता। सर ऐसा पूछा नहीं जा सकता कि हम नेगेटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कन्वेंशन है। यूजुअली हम लोग फिजिक्स में पॉजिटिव ही लेते हैं, मतलब जब टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं कोई भी तो पॉजिटिव लेके आते हैं। सर स्लोली तो इसलिए भी लाते हैं क्योंकि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एनर्जी को रेडिएट करता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट कर सकता है, ये भी है रीजन। तो आपका फिर सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। यस सर, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उससे दोबारा एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, तो उसका वही रीजन है, तो इसलिए भी हम नहीं करते उसको।
तो ठीक है, ये बोल सकते हैं पॉइंट की कुल मिला के मतलब बात यह है कि हमें स्लोली लेके आना है, बिल्कुल जीरो स्पीड से लेकर लेके आना है, तो स्पीड को जीरो मानना। अब आगे बोलूंगा कि जीरो पे मूव कैसे करता है वो, तो 0.00001 मान लो, उस स्पीड से हम कॉन्स्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन सबको क्लियर हुई, स्लोली का मतलब समझ में आया सबको? यस सर। ओके, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लेके आ रहे हैं, तो हमने इन्फिनिटी पे कितना माना होगा, यानी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी पे लाने के कोई वर्क तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, चार्ज पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो बगल में आपको जीरो करना पड़ेगा, यानी आपने इस केस में इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपने जीरो ऑलरेडी मान लिया, जैसे आप ग्रेविटेशन में मान लेते थे कि यहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। और अब मैं जो लेके आ रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, प्लस वन कूलम लेके आ रहा हूँ, अच्छा मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा जब, तो मुझे फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा या अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ये सही डायरेक्शन है? डायरेक्शन नहीं, अगर मैं प्लस चार्ज को लेके आ रहा हूं तो इधर को लगाना होगा, ये फोर्स क्योंकि वो निकल कर रहा होगा, इधर को लगाना पड़ेगा, करेक्ट, सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो यहां पोटेंशियल क्या आएगा इस केस में मेरा? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब मैं ऐसा चार्ज लेके आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे जब किसी भी पॉइंट तक मैं लेके आऊँगा तो मुझे कुछ वर्कडन करना पड़ेगा, और ये वर्कडन जो आएगा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर ये उल्टा होता केस कि मैं इसको लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, चार्ज तो पॉजिटिव लेके आऊँगा अभी वन कूलम का, तो अब मेरे को वर्कडन नेगेटिव हो जाता, अब वर्कडन नेगेटिव, क्योंकि मुझे इसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, तो मुझे इसको एक्सेलेट होने से रोकना पड़ेगा क्योंकि इसे अटैक कर रहा है, एक्सेलेशन होने से रोकने के लिए मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट, तो इसको धीरे धीरे इधर को मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसके इस केस में सेम डायरेक्शन में थे, इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव एंड योर पोटेंशियल विल ऑल्सो बी नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, वो नेगेटिव आएगा, तो जब नेगेटिव चार्ज आपके होंगे यहाँ पे उसके आसपास पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इनफिनिटी पे जीरो आएगा, ठीक है। अब वर्क डन निकाल लेते हैं तो पोटेंशियल कितना आएगा वो देखते हैं, यह क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका, जो आपकी डेफिनेशन लिखी है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल बोलते हैं। चलो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन हमारा जो होगा वो एफ इनटू डीएस इंटीग्रेशन। अब जो फोर्स यहाँ पे लगेगा चार्ज पे, फोर्स लगेगा मान लो ये चार्ज आपका क्यू है और जो लेके आ रहे हो तो वन कूलम है, तो फोर्स इज के क्यू इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके कहाँ तक करोगे, नॉट जीरो, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी से जीरो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक करेंगे कहीं पे, है ना, मान लो आर डिस्टेंस कैपिटल आर, आर 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 तक कर लेते हैं। सर वो फोर्स की वैल्यू पुट कर दी आपने? हाँ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हम फोर्स कितना लगेगा, के क्यू बाय क्या लगेगा, आर कूलम लॉस है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपको? तो ये माइनस आ रहा है अभी, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि सर हम नेगेटिव के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम सेम उसमें ले रहे हैं ना, नेगेटिव के लिए नहीं, हम ये वाला केस फोर्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं हम, तो पॉजिटिव वाला केस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट में होंगे ना, नहीं फोर्स भी इधर को लगा रहे हो आप, सेम है ये सर, सेम और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, फिर नेगेटिव क्यों आ रहा है?
इसलिए आ रहा है नेगेटिव, बताओ क्यों आ रहा है, आइडिया किसी को? सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके तो अगेंस्ट ले रहे हैं ना ये डिस्प्लेसमेंट। नहीं वो फिर आप डेफिनेशन अलग लेके चल रहे हो, आप कह रहे हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहे हैं हां ये बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं फिर डेफिनेशन आपकी होती है, फिर जो डिफाइन होगा वो होगा वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, फिर आपको नेगेटिव एक बार और लेना पड़ेगा। डेफिनेशन यहां पे डेल्टा डब्ल्यू निकाल रहे हैं। हां तो डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल लेने की बजाय मैंने पॉजिटिव ऑफ द एक्सटर्नल ले लिया, वो बात एक ही है। तो आप भी अगर वो लोगे तो आप भी यहीं फंसोगे घूम के। सर सर जो हमारे पास आया रिजल्ट ये वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स है। सॉरी यहां पे जो रिजल्ट आया सर सर वर्क डन आया है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है। एक्सटर्नल है, हमने एक्सटर्नल निकाला बिल्कुल। फिर तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, आना चाहिए था, वो तो करो क्यों आ रहा नेगेटिव? देखो आपने गलती करी, आपने इंटीग्रेशन में एक गलती करी आपने, आपका जो ये चीज है इसको क्या लिखना चाहिए हमें, आपका जो आर वेक्टर है वो ऐसे होगा ना, आर वेक्टर तो डी आर इधर को आएगा ना, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा वो यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे माइनस डी आर लिखना चाहिए था आपको, क्योंकि डी आर वेक्टर हमको शुरू में ही लिखना चाहिए था क्योंकि जो वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे कॉस 5 मिलेगा। नहीं नहीं हमने यहाँ पे फोर्स एक्सटर्नल लिया है और डिस्प्लेसमेंट डीएस लिया है तो इधर तो डी आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर तो एंटी पैरेलल है ना, क्योंकि जो डी आर वेक्टर है तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो एंटी पैरेलल में जो उनके बीच का एंगल आएगा कॉस पाई आएगा और cos pi negative 1 होता है तो शुरू में वहां पे माइनस आएगा। ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर। इसी आप इसको बाद में कर लो या उसको पहले कर लो, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यहां पे कि dr का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो यहां पे माइनस साइन आना चाहिए था। आई थिंक अब क्लियर हो गया सबको, माइनस dr क्यों आया ये तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि भाई जो r है वो इधर को अगर आपने लिया, जो r क्या है इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज से कैपिटल Q से जो भी पॉइंट है आपका, तो अगर r इधर को आया है तो dr भी इधर को आएगा ना, जैसे आपका x इधर को होता है x एक्सिस तो आप dx इधर को मानते हो ना। यस सर। तो ऐसे यहाँ पे इधर को मानना, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, इधर को हो रहा है, तो ds जो आपका है एक्चुअली वो dr नहीं है, वो माइनस dr है। ds इक्वल टू माइनस dr है तो यहाँ पे ऐसे आएगा, तो आपका जो पोटेंशियल है प्लस kq बाय r आएगा यहाँ पे, तो वर्क डन जो है आपका है ये है, दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट p। मान लो कोई भी पॉइंट आपका है जहाँ पे कि डिस्टेंस r है, ये पॉइंट p है मान लो, इस पॉइंट p पे जो पोटेंशियल है आपका वो इतना है। ये हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था kq बाय r स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला है kq बाय r, सिंगल पावर है यहाँ पे। ठीक है ओके ऐसे ही अगर हम माइनस चार्ज के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अपोजिट मैंने सेम डायरेक्शन में लग जाएगा तो यहाँ पे फिर आपका जो है माइनस आएगा, तो आपका पोटेंशियल जो है के क्यू बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, अगर ये आपका माइनस है चार्ज तो ये खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे माइनस मान लो 5 कूलम्ब तो ये खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये नेगेटिव खुद ही हो जाएगा। तो दोनों केस के लिए फॉर्मूला वैलिड है KQ बाय R, जैसा चार्ज होगा वैसा पोटेंशियल आ जाएगा, अगर प्लस चार्ज होगा तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव एट ऑल द पॉइंट्स चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं भी, और अगर माइनस चार्ज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा हर पॉइंट पे, तो हमारा फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है वो तभी हमने देखा भी था सर। हाँ हमने देखा भी था अभी कैसा होगा, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये r पे डिपेंड कर रहा है, यानी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमारा सेम होगा, यानी अगर मैं कोई चार्ज q लूँ यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे हर जगह सर एक बार लास्ट साइड दिखा दो। ओके ओके कमिंग कमिंग एक मिनट, ये जो है हर जगह r डिस्टेंस पे
पोटेंशियल हमारा सेम हुआ, तो अगर मैं आर डिस्टेंस पे बनाऊँ तो क्या बनेगा सरफेस का, कैसा सरफेस बनेगा? स्फीयर बनेगा, विच विल बी इक्विपोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाय आर, तो इसके चारों तरफ पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। अगर ये डिस्टेंस में ज़्यादा लेता, मान लो आर टू लेता, तो वो सरफेस यहाँ बनता और यहाँ पोटेंशियल हमारा कितना होता के क्यू बाय आर टू, है ना? तो एक चार्ज के चारों तरफ कई सारे ऐसे स्फीयर होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल सेम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। अभी आपने क्या लाइन बोली? आई विल बैक, उस पर आता हूँ फिर बताता हूँ। ये नोट कर लिया, बैक शिफ्ट कर लिया, ऐसा कर लिया। व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इस स्फीयर पे जब पोटेंशियल निकाला तो हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाय आर आ रहा है, और जब इस स्फीयर पे निकाला, इस स्फीयर पे निकाला तो के क्यू बाय आर टू आ रहा है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल, मैंने पोटेंशियल सेम है हर जगह, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये सरफेस वन है और ऐसा ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर सेम आ रहा है, ठीक है? ओके, अब जो वर्क डन होता है कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर मान लो मेरे दो तीन चार्ज हैं यहाँ पे और मुझे यहाँ का वर्क डन निकालना है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ दोनों के कारण यहाँ पे, वो निकालना बहुत ईजी है, स्केलर को जोड़ना ईजी होता है वैक्टर के मुकाबले। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा मान लो इसके कारण V1 है, पर इस वाले के कारण Q2 के कारण V2 है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा नेट वो V1 प्लस V2 आ जाएगा, तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है P पॉइंट का, मान लो P पॉइंट है, तो मैं इजीली जो चार्ज लेके आ रहा हूँ उसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी अगर मेरे दो तीन चार्ज रखे हुए हैं कहीं पर प्लस माइनस या कुछ भी मान लो चार्ज अगर रखे हुए हैं, तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ईजी नहीं था क्योंकि वहाँ पे वैक्टर क्वान्टिटी थी, तो वहाँ पे आपको वैक्टर की तरह ऐड करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है, आपको बस मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साइन पता होना चाहिए उसका, आप सीधा ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है आपको उससे। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी, है ना? ओके, और मान लो ये डाइपोल है आपका और इसके यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक वो निकालूँ पोटेंशियल सेंटर पे, तो कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ सेम इस लाइन पे, यहाँ पे कितना आएगा ऊपर? जीरो आएगा ये भी। Yes, पोटेंशियल कैसे निकालो, के क्यू आर करके निकालोगे ना, के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू, ऐसे करोगे, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है डाइपोल, है ना? और आर वन आर टू बराबर होंगे बाय सिमेट्री, आर वन आर टू बराबर होंगे, तो आर वन आर टू बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है डी वी जीरो, ये बोल सकते हो। तो ये चीज बनेगी एक्चुअली, क्या बनेगी, पॉइंट होगा, लाइन होगा, या और जनरल देखो तो क्या होगा, ये जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल जीरो आ रहा है, ये एक लाइन आई है अभी, अगर आप और से ढंग से सोचो तो क्या होगा एक्चुअली, ये एक प्लेन, प्लेन होगा। इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों चार्जेस से सेम आएगा, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस आएगा, तो दोनों चार्ज से अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो आपका जो
पोटेंशियल है वो जीरो ही आना है. तो यहाँ पे जो प्लेन है ये भी एक इक्विपोटेंशियल प्लेन है जिसका पोटेंशियल हर जगह जीरो है. वी जो है हर जगह क्या है हमारा जीरो आ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है. तो दोनों बातें समझ में आई, पोटेंशियल को जोड़ना इजी है एक तो, और दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा यहाँ पे डाइपोल के सेंटर से. यस सर. सर ये फॉर्मूले जो फॉर्मूले में जो के क्यू बाय आर है ये आर इंफिनिटी से डिस्टेंस है. ये आर वन इसे जो फॉर्मूले में दे रखा है. नहीं इंफिनिटी से नहीं है, उस चार्ज से डिस्टेंस है. मतलब चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो ना. जैसे चार्ज हमारा यहाँ पे था और आर डिस्टेंस पे अपने पोटेंशियल निकाला था वीपी, तो ये डिस्टेंस आर है. और सर ये हमने फिर डी आर क्या लिया था, ये वाला जो लिया हमने. यस सर. ये इसी का एलिमेंट. हाँ तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, हमने माना कि ये चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से, तो जब ये आर डिस्टेंस पे होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा. तो इसको हम इन्फिनिटी से और यहाँ आर तक लेके आए. ओके सर. ये तो चार्ज से इलेक्ट्रिक पॉइंट के बीच का. हाँ ये तो उसका डिस्टेंस है. ये चार्ज जो आ रहा है ऊपर से उसका कितना डिस्टेंस है इस चार्ज से, जिसके कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं. ओके सर. तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी आपकी. दूसरे दिन अगर सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है कि मान लो मैं किसी चार्ज को छोड़ दूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर फोर्स लगेगा. फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलेरेट होगा. एक्सेलेरेट होगा तो वेलोसिटी गेन करेगा. अब यहाँ पे अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालो कि मान लो ये रेस्ट पे था शुरू में और यहाँ पे वेलोसिटी इसने वी गेन कर ली, और ये जो चला ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का मान लो डेल्टा वी है, तो इसके अगर मैं यहाँ पे वी निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ. डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है आपका डेल्टा वी. यस है ना. तो इस पे जो वर्क हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने वर्क किया होगा, तो वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हैं. तो इसको हम वर्क डन को लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, इनिशियली जीरो थी, डेल्टा वी इंटू क्यू. तो यहाँ पर जो वी स्क्वायर आपका आएगा, वी स्क्वायर जो है वो इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू क्यू ट्वाइस बाय एम. अगर आपका कोई भी चार्ज वी स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, अगर आपका कोई भी चार्ज जो है एक्सेलेरेट हो रहा है इन अ पोटेंशियल वी, वो इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, इतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से उसे एक्सेलेरेट किया है और उसका चार्ज कितना था और मास कितना था, इन तीन चीज़ पर डिपेंड करेगा. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे आप कैसे बन सकते हैं कि एक प्रोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को एक्सेलेरेट कर दिया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो बताओ क्या होगा, है ना, वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा. मान लो क्या आएगा बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन हो वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, इसका रेशियो निकालना है आपको सेम पोटेंशियल से एक्सेलेरेट किया है. 1/2 आ जाएगा. अंडर रूट 2 या 2 1/2 आ गया. v अल्फा करेंगे जब तो हम क्या लिखेंगे, v तो इसका सेम है तो क्या आएगा रूट ऑफ 2 v लिखता तो हूँ. q की जगह क्या आएगा इसका 4, कितना था चार्ज इसमें 2 प्लस होता है, 2 प्लस चार्ज है इसका. मास इसका कितना होता है प्रोटॉन के मुकाबले, 4 टाइम्स लगेगा डिवाइड बाय 2. v सेम है दोनों का, इसका चार्ज प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो सिंगल e होगा और मास ऑफ द प्रोटॉन. अब यहाँ पे ये कट जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन और ई कट जाएगा, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा आपका, ऊपर क्या बचा 2/4 का रूट यानी 1/2 आ रहा है मेरे ख्याल से. यस सर. सही है, सही किया. यस सर.
फिर एक बार और बता दीजिए सर, ये फोर एम कैसा है बता देंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका? ये होगा ना अल्फा पार्टिकल, हीलियम, हीलियम टू प्लस होता है अल्फा पार्टिकल आपका। तो यस सर, हीलियम में क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो मास होगा वो आपका फोर टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ मैं। मैंने फोर टाइम एमपी लिखा हुआ है। और चार्ज इसका जो होगा टू प्लस होगा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज वन प्लस होता है। तो अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज ई मानूंगा तो इसका चार्ज मुझे टू ई मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्यू की जगह पर टू ई पुट किया है और मास की जगह पर फोर एमपी पुट किया है हीलियम के केस में, मैंने अल्फा पार्टिकल के केस में। ठीक है, समझ में आया? यस ओके यस ओके ओके। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल की एप्लीकेशन हो गई एक तरह से। तो ये अभी आपके आगे भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्वेश्चन मिक्स होकर भी आए थे कई बार, तो यहाँ भी आएंगे आगे भी आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा। तो दिस इज द ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द चार्ज एक्सेलरेटर। जैसे आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी का वो चाहिए होता है ना, पार्टिकल वगैरह चाहिए होते हैं आपको, तो उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस को। तो उसमें जब एनर्जी का पार्टिकल कैसे आप क्रिएट करोगे, आप उसे जो भी आपका पार्टिकल है उसे आप हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो, है ना। हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे तब जाके वो ब्रेक करेगा उसे। तो हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे उसकी वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता है और चार्ज और मास पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें बेसिकली चाहिए होती है उसकी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की होगी वो जितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे इनटू ई इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी पूछेगा तो नीचे वाला यूज करना है। समझ में बात सर? इसमें शायद साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं ना? हाँ, साइक्लोट्रॉन या वेंडीग्राफ जनरेटर है या फिर और भी चीज़ें हैं। साइक्लोट्रॉन भी है हाँ, और वेंडीग्राफ जनरेटर भी, और भी हैं कई सारी चीज़ें जो एक्सेलरेट करती हैं। तो मेनली प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना है उसको। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये दो प्लेट हैं और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दे देंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 20 वोल्ट का है और ये प्लस प्लेट है या माइनस प्लेट है। आपने एक यहाँ से पार्टिकल छोड़ा प्रोटॉन, जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ऐसे पहुँचेगा उसको, जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, आपका जो क्या नाम है ये वाला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वी इंटू क्यू प्रोवाइड कराएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ग्रेविटेशन का इफेक्ट जीरो मान लूँ, अब ग्रेविटेशन को मानूंगा तो एक और वेलोसिटी आ जाएगी आपकी जो कि इसके कारण प्रोवाइड होगी, वो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आप मान लेता हूँ ग्रेविटेशन नहीं है और ये सीधा ऐसे आ रहा है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर वो वी इंटू क्यू होगी, यहाँ पे जीरो थी क्योंकि। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये निकाल सकते हो यहाँ से, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी पता है यहाँ पर। तो आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर, ओके ओके। तो दिस इज द थिंग। तो ये हमारा पोटेंशियल, यस सर, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, ओके सर। इसमें वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो कैसे हो गया? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक, फाइनल जीरो, इनफिनिटी पे जीरो मतलब? नहीं, हमने फाइनल जीरो नहीं, इनिशियल जीरो मानी ना, हमने बोला चार्ज यहाँ से स्पीड जीरो से स्पीड स्टार्ट हुआ ना, जब चार्ज स्टार्ट आपने किया तो आपने उसको रेस्ट पर रखा होता, ये इनफिनिटी वाला केस भूल जाओ अभी। अभी आप इसमें केवल एक चार्ज को रख रहे हो, मतलब वेलोसिटी जीरो है शुरू में, तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, फाइनल हाफ एमवी स्क्वायर हो गई। ओके, ये
दिस वाज द थिंग आई थिंक ये सब क्लियर हो गया. ये अभी आगे काफी आने वाला है, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी काफी यूज होने वाला है. तो दिस इज द थिंग. अब यहां पे सही तो डायरेक्ट फार्मूला बेसिक है. हां फार्मूला बेस्ड है बट ये है कि अलग अलग केस आएंगे आपके अल्फा पार्टिकल और पार्टिकल आपके चेंज होते रहेंगे और कंडीशन चेंज होती रहेंगी कई सारी. तो देखेंगे क्वेश्चंस है ना. अभी ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है. तो किसी को रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? यस सर. क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन r. v बाय r. यस सर. e इक्वल्स टू डेल v बाय डेल r. माइनस साइन के बाद. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है वो माइनस डीवी बाय डीआर होता है. माइनस डीवी बाय डीआर. जैसे आप अगर पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल आता है आर डिस्टेंस पे वो के क्यू बाय आर आता है. अगर आप डी वी बाय डी आर करें कितना आएगा? ये माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर. और आप माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा. तो ऐसे ही ये तो हमने केवल पॉइंट चार्ज की बात की है लेकिन कोई भी अगर आपका फील्ड हो तो वहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है कि E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर होता है या फिर डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है माइनस साइन के साथ. तो कई बार आपको ये भी निकालना पड़ जाता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. दिस वी हैव सीन व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग ऑन अ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैंने केवल एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है या एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हो रही है, बाकी जगह कॉन्स्टेंट है. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए एक और फार्मूला है वो देख लेते हैं. पहले ये नोट कर लो सब लोग. तो इस रिलेशन से तो ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ पर फील्ड जीरो होगा पोटेंशियल भी जीरो होगा, पर ऐसा होता नहीं है. नहीं, यहाँ से पता नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जीरो होगा उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा. जीरो नहीं, नहीं जीरो नहीं होगा. डिफरेंशिएशन जीरो कब आता है? जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट होता है कोई चीज. अच्छा सर, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा ना. बिल्कुल. तो यानी कि E जीरो इंप्लाइज दैट V इज कांस्टेंट. इससे एक बात तो समझ में आ रही है, दूसरी बात क्या समझ में आ रही है? एक चीज और समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. अपोजिट रहेंगे दोनों ही दूसरे के, है ना? माइनस साइन आ रहा है. इधर को पोटेंशियल बढ़ेगा, उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा. यानी पोटेंशियल शेल डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा, वो आप ऑलरेडी देख भी चुके हो. अभी देखते हैं. अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोटेंशियल जो कांस्टेंट रहता है किधर को रहता है? कांस्टेंट इधर को कांस्टेंट रहता है. ऐसे में जब dv / d इधर को करोगे, dv / dx करोगे, ये चीज जीरो आएगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप बात करो तो इस डायरेक्शन में ना तो पोटेंशियल कांस्टेंट है और ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो यहाँ पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है, इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. वी इज वेरिएबल एंड ई इज ऑल्सो देयर, इज नॉट इक्वल टू, वी कैन नॉट से इट इज इक्वल टू जीरो. तो आप किधर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है. आप इधर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो
ये आप अलोंग द सरफेस डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अलोंग द सरफेस कर रहे हो तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डीवी यहाँ पे आएगा नहीं, जीरो आएगा डीवी, तो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है अलोंग द सरफेस। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो फिर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और वी भी आपका वेरी करता है, क्योंकि यहाँ कुछ और भी होगा, यहाँ कुछ और भी होगा, यहाँ कुछ और भी होगा, है ना? क्लियर हुआ? यस सर। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना किधर को डिफरेंशिएट कर रहे हो। आपने इक्विपोटेंशियल तो बोला लेकिन आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो इधर को, तो इधर को ये सारे सरफेस इक्विपोटेंशियल थोड़ी, जैसे आप डी आर लोगे, डी आर में आप यहाँ पहुंच जाओगे सीधा, पोटेंशियली चेंज हो जाएगा आपका। यस सर। तो डिपेंड करता है। ओके, ये नोट कर लिया सबने आगे चलें। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। जैसे मान लो ये आप देखें प्लस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होता है, और पोटेंशियल आप देखेंगे तो कहाँ पे ज्यादा आएगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट ज्यादा, बी इनवर्सल टू द आर है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा सर अगर ये प्लस चार्ज है तो। यस सर, बट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा होगी, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यस सर, मीन में कम होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, माइनस में ना, लेकिन उल्टा हो जाएगा फिर, यानी P इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर है, तो आपका पोटेंशियल जो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है इस डायरेक्शन में, आपका पोटेंशियल घट रहा है बाहर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है आपका, एक मिनट को, आपका पोटेंशियल देखो घटेगा, अगर बी पे पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने के डायरेक्शन में होना चाहिए, सही है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को है और पोटेंशियल आपका घट रहा है इधर को ही, यानी कि पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है तो पोटेंशियल आपका इधर को बढ़ रहा है, इधर को वी इज इंक्रीजिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, तो इस साइन से ये पता चल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इधर को पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो पोटेंशियल आपका इधर को इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, वो E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से नहीं है, वेक्टर की बात है ना यहाँ पे, वेक्टर है वेक्टर आएगा यहाँ पे, तो उससे है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो डीवी बाई डी आर पे डिपेंड करेगा, डी वी बाई डी आर का मैग्नीट्यूड कितना है ना, जैसे इसको और ध्यान से देखो तो मान लो यहाँ पे ये कोई चार्ज है 20 कूलम का मान लो, और मैंने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, यहाँ पे एक बनाया ये जहाँ पे कि पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है, और फिर मैंने एक बनाया 40 वोल्ट का, फिर मैंने बनाया 30 वोल्ट का, फिर 20 वोल्ट का, अब बताओ इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, सेम रहेगा या वेरी करेगा? वेरी करेगा, वेरी करेगा, तो कहाँ पे ज्यादा होगा डिस्टेंस, मतलब शुरू में ज्यादा होगा डिस्टेंस या बाद में ज्यादा होगा? बाद में ज्यादा होना चाहिए। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर आप बनाओ तो ऐसे बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, मतलब जो ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरू में तेजी से ड्रॉप हो रहा है, बाद में तेजी से ड्रॉप हो रहा है? शुरू में तेजी से ड्रॉप करेगा, शुरू में तेजी से ड्रॉप करेगा, तो ये डिस्टेंस कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए? डिस्टेंस ज्यादा आना चाहिए सर। नहीं, तेजी से ड्रॉप कर रहा है ना, तो आपको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए नहीं ना फिर भाई, जो ड्रॉप यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे होगा वो ड्रॉप यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, तेजी से ड्रॉप कर रहा है। यस सर। हाँ, तो यानी कि ये जो सरफेस है ये यहाँ पे पास पास होंगे, और जैसे आप दूर जाते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ऐसे होगा इसका अगर मैं बनाऊंगा एक्चुअली तो, अगर ये मतलब इनका पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस बराबर, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये बात? समझ में नहीं आया, कहाँ से नहीं आया बताओ, शुरू से
सर 20 कूलम से जो लिखा है ना आपने, सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना क्यों जरूरी है? ये नहीं जरूरी नहीं है, मैं तो इसलिए बना रहा कि आपके लिए इजी हो समझने के लिए, इसलिए मैंने बराबर बराबर वाला बनाया, क्योंकि आप दोनों चीजें आप वेरी कराओगे ना, मतलब डिस्टेंस भी आप वेरी कराओगे, पोटेंशियल भी वेरी कराओगे, फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सेम मैंने पोटेंशियल 10-10 का गैप माना है। सर उसमें मुश्किल क्यों होगा, जैसे 50 से 40, 40 से नहीं, डिस्टेंस भी अरे फिर आपका भाई डिस्टेंस भी आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा कहीं पे, और पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। मान लो आपने ऐसे किया ये 25 किया, फिर आपने यहाँ 15 का डिफरेंस लिया है, मान लो यहाँ पे आप बताओ 17 है, 8 का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे आप 2 का डिफरेंस लिया है, तो दोनों चीज़ें वेरी करिए, आप बता नहीं पाओगे ना क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। भाई एक चीज़ जब वेरी करेगी तो आप डी वी बाई डी आर का वैल्यू निकालना है आपको, तो आपको फिर दोनों चेक करना पड़ेगा कि डी वी कितना आ रहा है, डी आर कितना आ रहा है। तो मैंने कम से कम ये कॉन्स्टेंट कर दिया कि ये मेरा 10 है, तो आप केवल अब डी आर पे ही ध्यान देना है। और अगर डिस्टेंस सेम होता सर तो सब में, अगर आप डिस्टेंस सेम करते सब में तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि अगर डिस्टेंस में सेम रखूंगा तो डी आर फिर आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैं डिस्टेंस अगर सेम रखूँ, मान लो ये डिस्टेंस है तो डी आर में कितना फर्क पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा फिर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, निकाल सकते हो भी इसको समझने तो पोटेंशियल वेरी करेगा सबके बीच में। हाँ करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा, डिस्टेंस सेम होगा तो वेरी करेगा ऑब्वियसली। अगर आप डिस्टेंस सेम लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लूँ और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लूँ, तो यहाँ तो हो सकता है 10 से घट के ये 17 पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, तो वेरी करेगा। ठीक है, यस सर, क्लियर। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। यस सर, ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसका जो 3D वाला फॉर्मूला है कि 3 डायमेंशन में क्या होता है, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि 3 डायमेंशन में कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ले लेंगे। हाँ, ग्रेडियंट ले लेंगे, आई जे के में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में देखते हैं। राइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।